कैसे आप सब, आई होप आप सब कैर कैरियर से गल, आप सबकी मुश्किलें खत्म करें, आप सबकी परेशानी खत्म करें, आमीन सुम आमीन। सो हो गए शाम के 7 बज गए अभी और मैं रेडी हुई हूँ, बच्चे लोग भी रेडी हुए, जाना है ज़रा 2-3 काम है और लाइक अभी फैसल आ जाएगा अभी इंशाल्लाह, तो उनके साथ जाना है, 1-2-3 काम है, क्या काम है फिर मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी। और यहाँ अमन भी रेडी है, रेडी ओके सो चलो फिर जाते काम है, मैं आप लोगों को बताती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोग से। 1, 2, 3 तो बस हम लोग निकल रहे थे, हम लोग को जाना था लाइक मुझे जाना था होम डिपो, क्योंकि मुझे वो जो लाइक मैंने बोली थी बॉक्स लेने, तो मुझे बॉक्स लेना था क्योंकि सब पैकिंग करने का टाइम हो गया, तो हमें और फैसल चले गए थे बॉक्स लेने, और हुरेन और एमन भी चले थे क्योंकि हुरेन को खाना था आइसक्रीम, बट हम लोग वहाँ लेने गए बॉक्स, और उसके बाद जब बॉक्स लेके हम लोग ने गाड़ी में रखे तो जगह ही नहीं हो रही थी, इतनी हाई वो थी, तो फिर हम लोग घर पर आ गए थे, उसके बाद फिर हम लोग आइसक्रीम खाने चले गए थे। और यहाँ से हम लोग, ये होम डिपो है, मैं आप लोगों को बताती हूँ, यहाँ हर चीज़ लाइक घर के लिए जो स्पेशली चीज़ होती है लाइक लाइट्स और वो सब चीज़ें यहाँ मिलती है, घर की जो होम डिपो में मतलब आप मेरे को क्या बताऊँ, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, होम एसेंशियल होता है लाइक, हाँ वही सब मिलता है। तो वो हम लोग ये फर्स्ट टाइम आए थे, मैं भी यहाँ फर्स्ट टाइम आई थी, तो मैंने चलो आप लोग को भी थोड़ा सा बता दूँ, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा लाइक कॉस्को के जैसा ही है, बहुत बड़ा, लेकिन यहाँ सिर्फ घर की चीज़ें मिलती है, तो यहाँ लाइटिंग वाइटिंग मुझे इतनी अच्छी लग रही थी, इतनी खूबसूरत लाइट थी, मैं आप लोग को आगे जाके बताती हूँ। तो उरेन और एमन को भी आना था तो मैंने लेके आ गई थी, और बस हम लोग ने यहाँ से फिर कार्टून लेके निकल चुके थे, और ये लाइटिंग थी मुझे बहुत पसंद थी, फिर यहाँ से डन होकर हम लोग निकल गए, क्योंकि पीछे पूरा बॉक्स पड़ा हुआ था तो कोई दिख ही नहीं रहा था, तो मैंने वीडियोज़ इसलिए ज़्यादा नहीं बनाई। फिर इसके बाद हम लोग घर पर चले गए थे, सब रख दी हम लोग ने, सब सामान मैंने को जो रखना था उसमें थोड़ा सा मैंने रख दी थी, फिर रात को हम लोग आइसक्रीम खाने निकले थे। और ये व्लॉग में आप लोगों को ईद का भी मेरा बता दूंगी, और ईद के लिए जो एक दिन पहले थोड़ी सी शॉपिंग करने गई थी सो वो भी आप लोगों को बता दूंगी, इसमें ही सब कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ आने के बाद हम लोग चेक कर रहे थे, तो ये हम लोग का छोटा आ गया था लाइक बहुत छोटा आ गया था, हम लोग को चाहिए था इससे भी बड़ा, ये हम लोग एक्स्ट्रा लार्ज समझ के हम लोग सोचे बड़ा होगा, बट थोड़ा छोटा था, फिर भी चल गया, इसमें लाइक 4-4 हम लोग ने ये बैग डाले तो पैक हो रहा था, तो नोमान लोग हंस रहे थे कि मम्मी तुम्हारा कैसे आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरे ही कपड़े। बस उसके बाद मैं फिर आ गई थी किचन में, काम था थोड़ा सा, रोटियाँ बनाना था, थे लाइक कार्टून लेने के लिए, अभी हम लोग लेके आ गए स्टोरेज बॉक्स, अब जाएंगे बच्चा भी थोड़ा, बच्चा फैसल के लिए रोटी बना रही है, अब वो खाना वाना खाएगी, फिर देखते जाते आइसक्रीम खाने। बस यहाँ फिर फैसल ने खाना खा लिए थे, तो मैं थोड़ा सा यहाँ क्लीनिंग कर रही थी, क्योंकि हम लोग तो थोड़ा लेट ही खाते हैं, और फैसल क्योंकि शॉप से आते हैं तो उनको खाने के लिए खाना खाना होता है तो वो खा लेते, और हम लोग कभी कभी इनके साथ भी खा लेते, कभी कभी लेट भी खा लेते, तो बस यहाँ मैं सब क्लीन कर ली थी टेबल, फिर बस हम लोग को निकलना था, अभी हम लोग जा रहे हैं आइसक्रीम खाने, बच्चे लोग को लेके जा रही हूँ आइसक्रीम खिलाने के लिए, अब जाते हैं डंकिन डोनट्स आइसक्रीम। बस तो फिर हम लोग निकल गए थे, और हम लोग को जाना था ब्रूस्टर आइसक्रीम, लेकिन बस वो थोड़ा सा दूर था, मतलब हम लोग से ये आगे था, तो डंकिन डोनट्स की भी आइसक्रीम अच्छी होती है, तो मैं यहाँ आ गए, फिर हम लोग, ये हम लोग के घर के बहुत नज़दीक है, 2 मिनट के रास्ते पे, फिर हम लोग यहाँ आए और आइसक्रीम चूज़ कर रहे थे कि किसको कौन सी चाहिए, तो वो आइसक्रीम चूज़ करने में बहुत टाइम निकल जाता है, फैसल बोलते जल्दी जल्दी चूज़ करो, मैं बोली लेकिन आइसक्रीम को चूज़ करना तो मज़ा ही अच्छा लगता है कि लाइक चूज़ करो, मुझे ऐसा सब बहुत पसंद है कि अलग अलग फ्लेवर में थोड़ी देर रुक के चूज़ करूँ कि ये नहीं ये चाहिए, बच्चे लोग की तरह अच्छा लगता है, कभी कभी बच्चे भी बनने, तो बस अभी फिर हम लोग ने आइसक्रीम सब ले लिए थे अपनी अपनी, और एमन के लिए लेना था डोनट्स, बट डोनट्स वाला बंद हो गया था, लाइक डोनट्स ख़त्म हो चुके थे, फिर हम लोग ने सबने आइसक्रीम ली और हम लोग को वहाँ बैठ के खाना था, तो हम लोग 5 मिनट बैठे तो एमन का धमाल शुरू हो गया था, फिर हम लोग फटाफट निकल गए थे घर के लिए। ये रात का टाइम था और एमन आ गई थी बहुत नींद में, बच्चे लोग कुरान शरीफ पढ़ रहे थे, फिर बस हो गया था नेक्स्ट डे, तो यहाँ हो गया था ब्रेकफास्ट टाइम, ब्रेकफास्ट में मैंने रवि के पैनकेक बना ली थी, फिर उसके बाद मुझे थोड़ी सी क्लीनिंग करनी थी लाइक थोड़े से 1-2 खान जो बचे हुए थे वो मैं क्लीन कर रही थी, फिर उसके बाद मैंने डायरेक्ट शाम की ले ली थी इवनिंग की, फैसल आ गए थे और हम लोग जा रहे थे, मैं और फैसल गए थे ओल्ड नेवी, हम लोग गए थे, हम लोग जाने वाले थे बर्लिंगटन, फिर ओल्ड नेवी हम लोग को नज़दीक में दिख गया तो मेरे चलो उधर ही चले जाते, बच्चों के कपड़े लेने के थे, देखने के थे ईद के लिए, लाइक ईद के कपड़े तो थे, मैंने फिर भी सोची कि चलो एक एक ले लेते, और एमन के लिए हम लोग को वहाँ माशाल्लाह बहुत अच्छे कपड़े मिल गए थे, तो एमन की बर्थडे भी थी और यहाँ फैसल गैस भरा रहे थे तो हम लोग ले लिए थे फिर, तो बस अभी हम लोग निकले हैं, मैं और फैसल देखते बच्चे लोग के लिए कुछ लेना था, अभी एक एक ड्रेस तो है सो मैं बोली कि चलो दूसरे एक एक देख लेते, मैं और फैसल ही आए, बच्चे लोग बोले हम लोग घर पे बैठते तुम लोग जाओ, कल ही ईद है यहाँ टाइम तो ऐसा निकलता है कि मालूम ही नहीं पड़ता कल ईद है, मुझे पता ही नहीं था आज सुबह तक, मुझे ऐसा लग रहा था कि परसों है, तो बस अभी हम लोग रुके हैं यहाँ गैस भरा रहे, फिर जाएंगे किधर जाते हैं मैं देखती हूँ, या तो बर्लिंगटन या ओल्ड नेवी, जो भी आज ओल्ड नेवी भी अगर इंशाल्लाह जाएगी तो मैं आप लोग को बताती हूँ, चलो फिर मिलते।
पहुंच गए थे ओल्ड नेवी। ओल्ड नेवी भी हम लोग के घर के बहुत नज़दीक है, तो बस मैं बोली चलो आज आप लोग को ओल्ड नेवी भी यहाँ का बता दूँ। तो ये बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ सब मिल जाता है। अच्छे अच्छे कपड़े थे, बहुत अच्छे अच्छे थे मुझे। लेकिन हम लोग का बहुत टाइम हो रहा था, क्योंकि ये बंद हो जाता है 9 बजे और हम लोग पहुँचे थे 7:30-8 बजे। तो यहाँ ढूंढने में तो बहुत, मतलब फिर भी हम लोग ने फटाफट ले लिए, ज़्यादा ढूंढे नहीं, क्योंकि बच्चों के कपड़े भी तो बहुत ज़रूरी थे, और ख़ासतौर पर एमन के और हुरेन नोमान के भी। लाइक हम लोग को एक एक ड्रेस मिल गए थे, तो मैं घर पर ज़्यादा तो आप लोग को नहीं बताऊँगी वो सब ड्रेस, क्योंकि टाइम मुझे नहीं मिला था, लेकिन मैंने इसी थोड़ा थोड़ा आपको ओपनली बता दी थी। तो बस ये था पूरा ओल्ड नेवी। या बच्चों के कपड़े जो होते बहुत अच्छे होते, बहुत प्यारे प्यारे भी थे, लाइक कॉस्टली वाले भी थे और ऐसे मतलब लाइक लाइट भी थे। तो मैंने एमन के लिए ऐसे टी शर्ट्स ले लिए थे हम लोग ने ज़्यादातर, और लेगिंग्स ले लिए थे उसकी, ऐसे सब लेगिंग्स और टी शर्ट और जीन्स लिए थे जो हम लोग को मिला। लाइक सेल भी था, यहाँ सेल भी था और उसमें भी था, तो सेल में से हम लोग ने लिए थे ज़्यादा। और मैंने मेरे लिए ओल्ड नेवी के 2 टी शर्ट ले ली थी, सिंपल से $5 में मुझे मिले, तो मुझे बहुत अच्छे लगे, घर में पहनने के हिसाब से बहुत अच्छे टी शर्ट थे। बस तो यहाँ हम लोग का डन हो गया था। और मुझे स्पीड में जब शॉपिंग करना होता है तो मुझे बहुत भारी पड़ता है, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है, लाइक मेरा मूड ख़राब हो जाता है। तो ये सब हम लोग ने अल्हम्दुलिल्लाह ले लिए थे, फैसल का टी शर्ट, बच्चे लोग के लिए एक जोड़ी और एमन के माशाल्लाह बहुत। और ये हो गया था नेक्स्ट डे, ईद हो गई थी। हम लोग की एमन रेडी हो चुकी है, एमन का कुर्ता थोड़ा सा ढीला हो गया है, ये मेरी मम्मा ने भेजे थे। अब हुरेन हो रही है रेडी, फिर मैं आप लोग को हुरेन से मिलाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? आई होप आप सब खैर रेडी से होंगे। अल्लाह आप सबकी मुश्किलें खत्म करे, आप सबकी परेशानी खत्म करे, आमीन सुम आमीन। और आज ईद है तो बकरीद आप सबको मुबारक, दुआओं में याद रखना। और ये रही हुरेन, हुरेन से मिलो। आप सबको बकरीद मुबारक, दुआ में याद रखना। और ये है हुरेन का ड्रेस, और मेरा ड्रेस तो आप लोग को उस दिन बता दी थी जो व्हाइट वाला लाई हूँ। और ये है एमन का ड्रेस, एमन भी ईद मुबारक बोल रही है। और यहाँ सब आप लोग को दिख रहा होगा, सब सामान मेरा पड़ा हुआ है। सो अभी शिफ्टिंग है तो ये सब तो होगा ईद के टाइम पे, आप लोग ऐसा लग रहा होगा वो है, लेकिन अभी 2-3 दिन में शिफ्टिंग है, इसके लिए सब यहाँ जमा कर दी हूँ। और शिफ्टिंग की वजह से अभी एकदम मेरा वो हो गया। और हम लोग ने आज कुकिंग पे मैंने बाहर से लाइक भटियारे से बनवाई थी, मैं आप लोग को बताती हूँ। और मैं आप लोग को मेरा ड्रेस पूरा बताती हूँ। तो ये है मेरा ड्रेस, फुल लेंथ है, लेकिन थोड़ी सी लेंथ कम हो गई क्योंकि मेरी हाइट कुछ करके मंगाई थी लाइक कुकिंग करके, सॉरी भटियारे से हम लोग ने बनवाए थे। सो ये सीख है मटन की बिरयानी और चिकन, और ये भी चिकन है, ये बिरयानी जो हम लोग ने बनाने दिए थे वो चिकन उन लोग ने लाइक इसी साथ में दिए। और ये रहा सब खाना। अभी ऐसा भी लाइक सब शिफ्टिंग का भी था, तो फैसल ने बोले कि अपन ईद को बाहर ही बनवा लेंगे, तो मैं बोली चलो अल्लाह का शुक्र है मेरी जान भी छुटी और थोड़ा आराम हो जाएगा एक दिन। और आराम क्या होगा मैं आप लोग को बताती हूँ, आराम क्या होने वाला है। वैसे भी अभी थोड़ा टाइम निकल जाएगा तो मुझे वापस से क्लियर है, लाइक थोड़ा आज क्लीनिंग करना ही है, अभी ईद हो जाएगी। और यहाँ तो वैसे भी ईद कैसी सिंपल सी होती है आप लोग को पता ही होगा। सो ईद होने के बाद उसके बाद मैं शाम को थोड़ा सा लाइक पैकिंग वैकिंग हम लोग करते ही जाएंगे, क्योंकि 2-3 दिन से तो मुझे टाइम ही नहीं था, आप लोग देख रहे थे जाना था सब जगह, तो 2-3 दिन से तो कुछ कर ही नहीं हूँ, तो आज करेंगे। कल मैंने कर दी थी सिर्फ पैकिंग, लाइक कार्टून के जो कपड़े थे जो मैंने बैग्स बना के रखी थी आप लोग को दिखाई थी, वो मैंने सब उसमें पैक कर दी कार्टून में। ओके हो गया है अभी लंच वंच डन, हम लोग सब लंच वंच कर लिए हैं, अभी बच गए हैं, बहुत टाइम हुआ लंच करके, लाइक अभी तो 5:15 हुए, अभी थोड़ा आराम भी कर ली थी लंच करने के बाद, थोड़ा सा आराम करे, थोड़ा सबसे अपने घर में लाइक सब मेरी मम्मी थे, मेरे भाई लोग से सब ईद मुबारक वो सब कर ली, बस अभी थोड़ा रिलैक्स करी, तो बच्चे लोग अंदर गए नैप लेने। और मैं यहाँ बैठी हूँ, सोच रही हूँ कि अब मुझे क्या काम करना पड़ेगा क्या नहीं, मैं ये सोच रही हूँ, मैं दिमाग चला रही हूँ क्योंकि अभी थोड़ा बहुत काम लाइक बाकी है, जो ऐसे तो सब छोटे छोटे किचन का है, वॉशरूम का, ये सब पैकिंग बाकी है, बट फिर भी ऐसा मुझे ये सब चीज़ काम भी बहुत भारी लगते, ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी सब हो जाए तो टेंशन फ्री हो। और ये तो आप लोग को मैंने बता दिया, सब माशाल्लाह हो गया है। और अंदर अभी कुछ कपड़े जो हम लोग के जो बाकी थे लाइक मैंने जो रखी थी जो पहनने के, अब वो सिर्फ बाकी है, तो वो तो मैं एक दिन पहले ही सब पैक कर लूँगी, लाइक एक बैग में डाल दूँगी फटाफट, और इंशाल्लाह रात को करेंगे किचन का और वॉशरूम का। और बस यहाँ की ईद ख़त्म हो चुकी है, यहाँ ईद ऐसी ही होती है, आप लोगों को हमेशा से मैं यही बोलती हूँ, तो यहाँ की ईद हो गई ख़त्म, अभी 5:30 हो गए, यहाँ सुबह में जो ईद का टाइम होता है वही होता है, बस हो जाती है ईद, तैयार हुए नमाज वमाज हो जाती है तो ईद माशाल्लाह हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। चलो फिर मिलती हूँ आप लोग से बाद में, बस आप लोग से फिर मैं मिली 2 घंटे बाद। सो अभी हो गई है शाम के 7:15 बज गए ले और हो गई है ईद ख़त्म, और मैं अभी बस थोड़ा सा फ्रेश हो गई, लाइक थोड़ा फ्रेश हो गई, थोड़ा चेंज वेंज कर ली हूँ, अब मैं जाऊँगी अंदर किचन में क्लीनिंग करने, किचन की नहीं अभी क्लीनिंग करूँगी आज, किचन की नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, ईद थी तो आज ईद के लिए थोड़ा आराम ज़रूरी होता है, तो अभी अब करेंगे आराम और उसके बाद मैं करूँगी कुछ ना कुछ काम। और ये रहा नोमान गेम खेलते हुए, एमन ने ड्रेस चेंज कर ली, शो न्यू ड्रेस, शो न्यू ड्रेस,
बेबी डॉल फर्स्ट यू शो योर न्यू ड्रेस। नो ड्रेस हुरैन ने अभी तक चेंज नहीं करी है। एमन शो योर ड्रेस। चलो एमन से बाय बाय। तो बस एमन ने जो पहनी थी वो भी था लाइक जो मैंने ओल्ड नेवी से लाई थी, ऐसे सिंपल ड्रेस ही लाई हूँ उसकी। और मेरे लिए भी मैंने रेड एंड ब्लू टी शर्ट लाई थी, ओल्ड नेवी बना हुआ था। ओके सो गाइस अभी हमारा व्लॉग यहाँ खत्म होता है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। और आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, और जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर दो। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।